नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक हैं तो आजकल आप एक शब्द सुन रहे होंगे, LBD। ये LBD क्या है, इसी के संबंध में हमारी आज की ये वीडियो है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे किन विद्यालयों में ये व्यवस्था लागू हो रही है और आखिर ये व्यवस्था है क्या, क्योंकि धीरे धीरे ये सभी विद्यालयों में लागू होगी। तो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, खासकर उन अध्यापकों को जहां पर ये व्यवस्था लागू होने वाली है। तो देखिए, LBD का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। केंद्र सरकार की योजना है कि हम सारे विद्यालयों में कौशल केंद्रों के रूप में स्थापित करें। तो फिलहाल ये केवल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रत्येक जिले के विकास खंड के 2 विद्यालयों में, वो भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में या कंपोजिट में भी ये व्यवस्था लागू हो रही है। यानी जनपद में जितने विकास खंड हैं तो प्रत्येक विकास खंड के 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालयों में ये LBD यानी कि लर्निंग बाय डूइंग योजना लागू हो रही है। इसमें 4 तरह के कौशल हैं आपके। नंबर 1 है आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड, नंबर 2 है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नंबर 3 है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और नंबर 4 जो आपका कौशल के रूप में विकसित करना है वो है आपका हेल्थ एंड होम से रिलेटेड। तो ये 4 तरह के आपके कौशल के बताए गए हैं, जो कि आदेश आया है उसमें विद्यालयों को कौशल केंद्रों के रूप में विकसित करना है। तो उसके लिए कुछ धनराशि भी प्राप्त हुई है और आज हम आपको वीडियो में ये बताएंगे कि इस धनराशि से कौन कौन सा सामान हमें क्रय करना है, क्योंकि अध्यापक अक्सर इस संशय में रहता है कि धनराशि आई है तो इससे कौन कौन सा सामान क्रय हमें करना है, और जो भी एक स्पेसिफिक जो सामान है वो सारा सामान क्रय करना है हमें। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक लिस्ट है उसे स्क्रॉल करूँगा और आप देखिए सामान को, देखते रहिए और उसे आप अपने कागज़ पर लिख लीजिए जो भी आपको करना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको आदेश चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको PDF भी इसकी दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पर है ट्रॉवल्स, ये चाहिए। इसकी क्वान्टिटी कितनी चाहिए, यूनिट पर प्राइस भी दे रखा है उन्होंने, हो सकता है ये भिन्न हो सकता है थोड़ा कम या ज़्यादा भी, पर उसके हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। स्पेड विद हैंडल फिटिंग, ये फावड़ा है, एक्स विद हैंडल फिटिंग इस तरीके से ही है, पिक केस टिकाव विद हैंडल ये एक चाहिए 320 रुपये की, खुरपी 1-5 चाहिए, 110 रुपये की एक है तो आगे 550 रुपये टोटल भी कर रखा है उन्होंने, सिकल स्टैंडर्ड आयरन खुरपी विद वुडन हैंडल 5 चाहिए, 120 रुपये पर पीस के हिसाब से 600 रुपये की हुई, सीजर यानी कैंची आपकी 2 कैंची चाहिए 402 रुपये के हिसाब से 804 रुपये की हुई। ये हमारा काफ़ी सारा सामान है, इसमें हर तरह के सामान हैं इसमें। इसके अलावा देखिए, तसला है, प्लास्टिक जार है, बकेट्स है, मेजरिंग टेप है, और इसकी क्वांटिटी भी आगे है कि मेजरिंग टेप कितनी चाहिए, किस क्वांटिटी में है, बकेट हमें कितनी चाहिए, कितने रुपए की आएगी एक बकेट, और उसके हिसाब से यहाँ पर प्राइस भी दे रखा है। मिल्क मीजर चाहिए, मसान जार चाहिए, डिगिंग बार, प्लास्टिक पैड जार विद एयर टाइट लिड, इसके अलावा और भी सामान है। 16वें नंबर पर है स्टेनलेस स्टील प्लेट्स, 4 चाहिए, 213 रुपये पर प्राइस के हिसाब से 852 की है। सर्विस चाहिए स्टेनलेस स्टील की, एक चाहिए 202 रुपये की है, सेट ऑफ कुकिंग स्पून चाहिए, एक सेट 628 रुपये का, 628 रुपये का ही आएगा एक सेट है तो। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील कंटेनर विद कवर चाहिए, स्टील बाउल्स चाहिए, और आपका एक फ्राइंग फैन चाहिए, पैन चाहिए, एक ग्रेटर चाहिए, एक नाइफ चाहिए, नाइफ 180 रुपये के 2। आगे चलते हैं, आगे क्या सामान है, आप वीडियो को पॉज करके अपना सामान नोट कर सकते हैं। पॉल पैट एंड लैटन, चकला बेलन कहते हैं जिसे, एक चाहिए 538 रुपये का, इन्होंने एक एस्टिमेट प्राइस दे रखा है, आपके प्राइस भिन्न भी हो सकते हैं इससे। गैस लाइटर चाहिए, मिक्सर चाहिए, प्रेशर कुकर चाहिए, सीजर चाहिए, टेबल स्पून चाहिए, लो प्रेशर गैस रेगुलेटर कंपैटिबल विद 5 किलोग्राम गैस सिलेंडर, एक रेगुलेटर चाहिए। आगे है LPG गैस का पाइप चाहिए, टोंग चाहिए, वेजिटेबल पेलर चाहिए, वाटर कंटेनर जग चाहिए, हिंडेलियम कंटेनर विद लिड चाहिए, स्टेनलेस स्टील कंटेनर विद लिड, डस्ट पैन साइज चाहिए। आगे है प्लास्टिक कंटेनर चाहिए, 483 रुपये का एक कंटेनर है, यानी कि 532 रुपये के हो गए। ग्लास कंटेनर चाहिए, 283 रुपये पर पीस के हिसाब से 166 के हो गए। प्लास्टिक बकेट चाहिए, 272 रुपये के हिसाब से। प्लास्टिक डस्टबिन चाहिए, स्टेनलेस स्टील चाहिए,
स्पैटुलास चाहिए, ट्रिमिंग सीजर्स चाहिए, थ्रेड्स रील्स चाहिए, रील्स के 2 बॉक्स चाहिए। इसके अलावा लास्ट में ये और है, 50 आइटम्स हैं, कुछ निडल चाहिए, बॉडी हाइट मेजरमेंट टेप चाहिए और हैंड प्रेस लाइम जूसर चाहिए। ये सारा सामान जो है चाहिए विद्यालयों को कौशल केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए। टोटल धनराशि भी देखिए यहाँ पर दे रखी है, कितनी है, 28,770 रुपये प्राप्त हुए हैं विद्यालयों को। इस हिसाब से ही ये जो है विद्यालयों को सामान क्रय करना है। उनकी जो क्वांटिटी है वो भी दे रखी है और प्राइस पर क्वांटिटी भी उन्होंने दे रखा है, हालांकि वो भिन्न हो सकता है। तो 50 आइटम दिए हुए हैं। तो हमारा आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके काम की है, तो आप इस वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ लगातार अपडेट होती रहती हैं। और ये योजना LBT जो है किन किन विद्यालयों में लागू हो रही है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका विद्यालय है या नहीं, पूरी लिस्ट आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए अपनी ईमेल आईडी और हम आपकी ईमेल आईडी पर जो इसका आदेश है उसे आपको मेल कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।